बस्तर में माओवादियों का हर साल बड़ी संख्या में आत्मसमर्पण हो रहा है। संभाग के 7 जिले नक्सल प्रभावित हैं। इनमें से कोंडा गांव को हाल ही में नक्सल मुक्त घोषित किया गया है। बावजूद इसके कुछ हिस्सों में नक्सल सक्रियता बनी हुई है। औसत 400 माओवादियों के सरेंडर और इनके विस्थापन को लेकर पुलिस और प्रशासन के सामने नई चुनौतियां हैं। हर साल बस्तर में 400 से अधिक माओवादी कैडर का आत्मसमर्पण हो रहा है। अब भी माओवादियों के डिवीजन स्तर के नेताओं के आत्मसमर्पण पकड़े जाने के मामले काफी कम हैं। बस्तर संभाग में प्रतिवर्ष एवरेज 400 से लेकर 500 तक माओवादी कैडर द्वारा आत्मसमर्पण की जाती है। वर्ष 2022 में अभी तक विगत 6 महीने में जनवरी से लेकर जून तक 280 से अधिक माओवादी कैडर द्वारा आत्मसमर्पण किए गए थे। उनके पुनर्वास नीति के तहत उनका पुनर्वास एवं अन्य जो आर्थिक सहायता वगैरह जो कार्रवाई भी की गई थी, इसी पॉलिसी के तहत आने वाले समय में भी अधिक से अधिक जो माओवादी कैडर है हिंसा छोड़कर शासन प्रशासन के समक्ष समर्पण